समस्तीपुर जिले के हसनपुर बाजार के सुभाष चौक पर निजी विद्यालयों के शिक्षक ने काला बिल्ला लगाकर सरकार के विरुद्ध किया प्रदर्शन। सरकार के हर निर्णय को सम्मान करते हुए पिछले साल कोरोना के काल में जिस तरह से सरकार के नियमों को फॉलो करते आए थे, उसी तरह इस बार भी कोरोना काल के समय सभी स्कूल कोचिंग बंद है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि हम सरकार से गुहार लगाते हैं कि जिस तरह से कहेंगे, जिस तरह से नियम निकालेंगे, उस तरह से हम लोग नियम का पालन करते हुए विद्यालय को चालू करेंगे। सरकार की जो रूल्स होंगे हम लोग सभी पालन करेंगे। किसी भी कीमत पर स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान चालू होना चाहिए। और उन्होंने क्या कुछ कहा सरकार से, आइए देखें इस रिपोर्ट में। बीटी न्यूज बिहार के लिए समस्तीपुर के हसनपुर से परमानंद प्रभात की रिपोर्ट। हम लोग निजी विद्यालय संचालक हैं। हम कोरोना की परिस्थितियों को अच्छी तरह समझते हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट के द्वारा जो निर्णय लिया गया, बेशक पिछले साल भी हम उनके साथ खड़े थे और इस साल भी हम उनके साथ खड़ा होना ही चाहते। हम सरकार के विरुद्ध कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, हम उनसे लड़ाई नहीं कर रहे हैं। हम एक अनुनय विनय और आग्रह कर रहे हैं कि हमारा शिक्षा का अधिकार जो संविधान के अनुच्छेद 21A में है कि विद्यालय खोलने का अधिकार, हमें विद्यालय खोलने की अनुमति दिया जाए। जब आप कोरोना के तमाम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए बाजार खुले रख सकते हैं, आप बाजार की भीड़ को देख लीजिए, क्या इससे ज़्यादा भीड़ होती है क्या किसी विद्यालय में? क्या सिनेमा हॉल से ज़्यादा भीड़ होती है क्या कहीं पे? जब आपके बाजार बिना प्रोटोकॉल, कोविड प्रोटोकॉल्स के नियम के संचालित हैं, जब आपके सिनेमा हॉल बिना प्रोटोकॉल के नियम के संचालित हैं, तो विद्यालय एक ऐसी जगह जहाँ मैं आपको पूरी तरह आश्वस्त करता हूँ कि कोविड-19 के तमाम तरह के प्रोटोकॉल्स को पूरी तरह से फॉलो करेंगे। आप जिस तरह से चाहें, आप 50%, 20%, 10% अगर इस हालात में इतनी क्षमताओं के साथ भी अगर विद्यालय को खोलने की अनुमति दें, तो हम तमाम निजी विद्यालय आपके सदा आभारी रहेंगे। हमारे शिक्षा के मौलिक अधिकारों को ना छीना जाए, हमारे बच्चे की पढ़ाई इसे समाप्त ना किया जाए, क्योंकि कोविड-19 सर 2021 में नहीं, भारत में 2024 तक खत्म होने वाला नहीं है। तो क्या इन 5 सालों तक शिक्षा खत्म कर दी जाए? क्या आने वाली पीढ़ियां खत्म हो जाएगी शिक्षा के अधिकारों से? मैं शिक्षा के अधिकारों को बचाने के लिए मैं सरकार से विनय करता हूं, विनती करता हूं। इसी के लिए हम लोग मौन स्वीकृत, कोई प्रोटेस्ट नहीं है, हमारा सिर्फ मौन प्रोटेस्ट है। कहीं हंगामा नहीं, कहीं कोई विरोध नहीं, बस एक विनती है। मैं आप तमाम दर्शकों का, सामाजिक व्यक्तियों का, अभिभावकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मुझे हमारे बच्चों को, हमारे समाज के लोगों के शिक्षा का अधिकार का हनन ना किया जाए। हमें शिक्षा का अधिकार के तहत विद्यालय खोलने की अनुमति प्रदान की। और एक जो शिक्षक है उनसे भी जानते हैं, जो और शिक्षक हैं उनसे भी हम जानते हैं कि कैसे क्या बारे में बताएं सर। जो अभी आप सब जो काला, मतलब ये जो मुंह पे पट्टी लगाए रखे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका एक ही मकसद है मेरा, मैं सरकार का विरोध नहीं, अनुनय विनय करता हूँ, मौन विरोध कर रहा हूँ, कोई उग्र प्रदर्शन नहीं कर रहा हूँ। इसका एक ही नीति है, शिक्षा को चौपट करना। और हम सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं कि हमारा अधिकार दो, हमारे कर्तव्य को निर्वाह करने दो, सरकार इसमें अवरुद्ध मत करो। इसकी नीति विपरीत हो चुकी है, शिक्षा को चौपट करने पे पूर्ण रूप से तुली हुई है। इसकी एक ही नीति है, सिनेमा हॉल चलेंगे, पार्क चलेंगे, लेकिन विद्यालय नहीं चलेंगे। जबकि आप अभी बाजार में कैमरा घुमा के भी जरा दिखा दें उससे कि यहाँ की भीड़ दिखाइए, जरा कैमरा घुमाइए, ये कोरोना की स्थिति देख लीजिए, कोरोना की स्थिति देखिए। यहाँ पे इसमें कोरोना नहीं है, लेकिन स्कूल जहाँ हम सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, सारे सिस्टम को फॉलो करते हैं, विद्यार्थी में डिस्टेंस रहता है, वहाँ कोरोना है। और बाजार में कोरोना नहीं है, मॉल में कोरोना नहीं है, पार्क में कोरोना नहीं है, लेकिन विद्यालय में कोरोना है। तो हम सरकार से ये अपील करते हैं कि एक मेरी छोटी सी आरजू,
छोटी सी विनती, इस पे वो एक छोटी सी नज़र जरूर डालें, बस इससे ज़्यादा मिले। हम लोग एक दिन का ये प्रोटेस्ट नहीं है, हम लोग प्रतिदिन शाम में 5 बजे से यहीं पे मौन होके हम प्रदर्शन करते रहेंगे। तब तक हमारा प्रदर्शन जारी होगा रहेगा जब तक सरकार हमें विद्यालय खोलने का आदेश नहीं देती है। अभी हमारा विद्यालय 18 तक बंद है, हम सरकार के साथ हैं, लेकिन 18 के बाद हमारा भी धैर्य टूटता नजर आ रहा है। सरकार से विनती है कि कोई निर्णय 18 से पहले करके हमें विद्यालय खोलने का अनुमति प्रदान करें। और हमारे एक शिक्षक हैं, उनसे भी जानते हैं। हम लोगों का बस एक ही मांग है कि हम लोगों को पूरे कोरोना प्रोटोकॉल के तहत स्कूल खोलने की अनुमति दी जाए, 20%, 30%, 10%, जो भी गवर्नमेंट को उचित बुझा उतने परसेंटेज के हिसाब से हम लोगों को स्कूल खोलने का अनुमति दिया जाए। और हम लोग निरंतर आज से निरंतर डेली हम लोगों का मौन प्रदर्शन चालू रहेगा, इसी सुभाष चौक पे रोज होगा जब तक कि हम लोग का हमारा अधिकार नहीं मिल जाता है। एक और चचा है, उनसे भी जानते हैं, कुछ बोल रहे थे। मेरा कहने का मतलब है, जितने स्कूल कॉलेज जो भी है, हमारे लड़का पोता भी कॉलेज में नहीं जा पा रहा है, कॉलेज बंद है, स्कूल बंद है, लड़का बच्चा जितने हैं सब बोआ गया है, एक भी पढ़ाई नहीं होता है। रिक्वेस्ट है, मिनती है, आरजू है, कृपया स्कूल और जो भी उसको खोला जाए ताकि बाल बच्चा अपने रास्ता पर आ जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।